यूपी के अलीगढ़ में थाना बन्ना देवी क्षेत्र रसलगंज पर उस वक्त हादसा हो गया जब एक बरेली से आ रही बारात के दूल्हे की सजी ऑडी कार ने सामने चल रहे ई रिक्शा को जबरदस्त टक्कर मार दी, जिसमें सवार 5 लोगों को गंभीर रूप से चोटें आई हैं, जिनमें से एक व्यक्ति को गंभीर चोटें आने के कारण JN मेडिकल कॉलेज भेजा गया है, जिनको अलीगढ़ की बन्ना देवी पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल भर्ती करा दिया गया है। तो वहीं पर रिक्शा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। अलीगढ़ के रसलगंज के समीप NH-91 पर उस वक्त हादसा देखने को मिला जब एक फूल मालाओं से सजी धजी गाड़ी तेज रफ्तार में आ रही थी। उसी वक्त सामने चल रहे ई रिक्शे को जबरदस्त उसने टक्कर मार दी, जिससे ई रिक्शा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। ई रिक्शा में सवार शादी समारोह से लौट रहे हलवाई सवार थे। टक्कर लगने से ई रिक्शे में बैठे हलवाइयों की काफी चोट आई, जिनको पुलिस की मदद से जिला मलखान सिंह भेजा गया, जहां पर हलवाइयों में से एक की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसको डॉक्टर ने JN मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया है। तो पुलिस ने वहीं कार में सवार नशे में चूर चार युवकों को अलीगढ़ की बन्ना देवी पुलिस ने हिरासत में लेकर थाने में बैठा लिया है। इसमें हमारे पास 4 लोग आए थे, तो एक ज्यादा गंभीर था, छोटे लाल, उसको हमने प्राथमिक उपचार करके मेडिकल रेफर किया है, और दूसरे सुरेंद्र सिंह को हमने भर्ती कर लिया अपने, और बाकी घायलों का इलाज करके घर भेज दिया। सर, एक को रेफर किया गया गंभीर हालत में। जी सर, कुछ जानकारी मिली एक्सीडेंट किस चीज़ से हुआ? इतनी तो नहीं पता लग पाया। काफी घायलों को किसके द्वारा लाया गया? बनवारी नाम का व्यक्ति लाया था, बनवारी, जो कि इसका भतीजा था छोटे लाल का, वो लेके आया था। पुलिस आई थी सर घायलों को? सर पुलिस नहीं है। बनवारे नाम है, मेरे पिताजी का नाम है ओम प्रकाश। हमारे थे 5 जने काम पे से सर। तो परसाई के काम पे से ये रखा हमारा थैला वैला सबरे बर्दी वगैरह। हाँ, परसाई के पते। तो मुश्किल थे 5 मिनट हुए निकलते निकलते, रोड क्रॉस कराए, उसके इतनी रफ्तार आ रहा है, ट्री वाले ने इतना दबाया फिर भी उसने एकदम में ओवरटेक मारा है, बिल्कुल बहुत रफ्तार से। हम 5 ट्री में बैठे थे। हाँ, वो ट्री वाला तो शीशे में तो बाहर निकल गया था, बिल्कुल शीशे में बाहर निकल के वो तो रोड पे गिर गया था। वो चाचा जी हमारे, वो चाचा जी को मैंने बचा लिया थोड़ा बहुत, नहीं तो वो लाले में बिल्कुल डूब जाते थे। ये सब बाहर के बाहर बिगड़ गए थे, वो मैं भी था, वो मैं लगा मुझे होश था तो मैंने उन्हें पकड़। एक्सीडेंट मारने वाली गाड़ी कौन सी थी? वो डबल छल्ले वाली कार। अच्छा, वो कार जो है वो हाँ सजी हुई थी, लाइट लग रही थी पूरी कार में और ऊपर भी लाइट लग रही थी। तेज रफ्तार से आ रही थी। हाँ, बहुत तेज रफ्तार से। वो लोग अब कहाँ हैं? अब कहाँ हैं पर हैं वो लोग? अच्छा, वो गाड़ी और जो गाड़ी चला रही थी। अच्छा, देखो ट्री तो वहीं पे खड़ी है, वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था। कहाँ हुआ था एक्सीडेंट? ये क्या बोलते हैं, ठीक है आगे बताइए आप। वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, उसने पकड़ लिया जो कार चला रही थी। हाँ, मुझे पता नहीं है, इतना हमें होश भी नहीं रहा वो कब फरार हो गए। अच्छा, ट्री में कितने लोग टोटल सवार थे? हम टोटल ड्राइवर संग लगा के हम 6 जने थे, बिल्कुल। चोट किस किस के आई है? हैं, चोट हमारे देखो गुरशन भैया की आई है, चोट आई है हल्की सी, रोहित भैयान की भी आई है यहाँ पे, और मेरे पैर में गंभीर चोट आई है। ज्यादा चोट किसके आई है? ज्यादा चोट हमारे चाचा जी है नी छोटे लाल। अरे गंभीर रूप से कितने लोग घायल हैं? 6 लोग में से? 6 लोग में से ज्यादातर वो ही ज्यादा है, इमरजेंसी केस वो ही है ना। हाँ, उन्हें कहाँ लेकर आए फिर पुलिस वाले? हैं, सीधा यहाँ लाए थे मलकान सिंह में। हाँ, रेफर कितने लोगों को करा? रेफर एक टर्री वाला है, एक मेहता और एक जेते। अब वो भैया कितने लोगों को भेजा यहाँ पे? हम मेडिकल जो भेजा। अच्छा, मेडिकल जो मुझे मेडिकल एक गए हैं, बाकी का यही उपचार हुआ। हाँ, बाकी का हम तो होश में है, बिल्कुल ठीक है। रहने वाले खिन्नी गेट बराई मोहल्ला जाटप वाली गली। क्या मामला था? जी भैया, बस केवल खाली हम ट्री में बैठ के आ रहे थे और 5 जने वो कार वाले ने सामने से ठोका है। तेज रफ्तार थी कार क्या? हाँ, बहुत तेज रफ्तार थी। अच्छा, ई रिक्शा में आप कितने लोग सवार थे? 5 जने। क्या हालत है उन 5 लोगों की? 3 जने घायल हैं। 3 गंभीर से घायल हैं? आप सवारी चालक? हम तो सवार ही हम तो सर। सवारी आप कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? हम तो बस केवल खाली अरे एक ही जना गुलर रोड बस है, सीधे घर जाते थे खेलने के पुलिस चौकी अंदर बताई मोहल्ला। तो ये हादसा जो हुआ कहाँ हुआ पता है? जी यहाँ पर हुआ, ये कटगुला की बिरयानी बिकती है। अच्छा, मौके पर पुलिस आई थी क्या? हाँ आई थी। तो घायल कहाँ पहुँचे थे? सीधा मैं वहाँ से बैठा के सीधे ट्री में बैठा के सीधे जगह पे छोड़ा। टक्कर कितनी खतरनाक थी? बहुत खतरनाक। ट्री का क्या हुआ? ट्री ये समझ लो बिल्कुल पिसक गई है बिल्कुल आगे सर।
गाड़ी कौन सी थी जिसने एक्सीडेंट मारा था? वो गाड़ी वाले डबल डबल चल रहा था। कोई शादी ब्याह की कार थी क्या? शादी ब्याह की कार थी क्या? नहीं वैसी गाड़ी थी, नहीं शादी की गाड़ी। हाँ, कुछ चार पांच जने थे उस गाड़ी में। अच्छा, तो ये गाड़ी सजी हुई भी थी क्या? नहीं, इतनी भी सजी हुई नहीं थी, सही थी। जो गाड़ी में लोग सवार थे वो बैटरी लगी हुई थी? जल्द हाँ, वो नशे में थे सर। नशे में थे और नशे की हालत में उन्होंने टक्कर मार दी। गाड़ी को पकड़ लिया गया? नहीं, गाड़ी थानी में पकड़ लिया। अभी घायलों को कहाँ भेज दिया पुलिस? जैसे वहाँ पे मेडिकल गई है, मेडिकल ट्रांसफर कर दिया है। आपका नाम क्या है? करण। और जो लोग उसमें सवार थे उन्हें जानते हैं आप किसी को? जानता हूँ। क्या नाम है उनका? छोटे लाल। ये कौन है छोटे लाल? ये अभी ये हमारे चाचा हैं। ये भाई थे आपके? हाँ। वो गंभीर रूप से घायल है। कहाँ कहाँ चोट आई उनके? गुंडा था बस, केवल खाली हुई दिमाग सा बिल्कुल नहीं है, फट गया। आप रहने वाले कहाँ के? चंडीगढ़ पुलिस चौकी, बताई मोहल्ला।